हेलो दोस्तों, शिखा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी चीजी सैंडविच, ट्रिपल लेयर सैंडविच, जिसमें हम ढेर सारी सब्जियां डालेंगे, ढेर सारा क्रीम और बहुत सारा चीज़। तो बहुत ही टेस्टी ये बनने वाला है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैंडविच का स्टफिंग बना के रेडी करेंगे और हम दो तरह का स्टफिंग बना रहे हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। डालते हैं इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ गाजर, यहाँ मैंने 2 चम्मच गाजर लिए हैं, प्याज 2 चम्मच बारीक कटा हुआ, इनको मिक्स करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, ये देखिए हरी मिर्च भी बारीक कटी हुई है, बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ती, काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच कुटा हुआ। अब इसमें हम डालेंगे मलाई, ये घर की मलाई है, 2 चम्मच घर की मलाई मैंने लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको मिलाएंगे, अब इसमें डालेंगे मेयोनीज, यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज लिया है। अब डालेंगे इसमें नमक स्वादानुसार, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग बनके रेडी है। अब हम ब्रेड लेते हैं, इसको साइड में रख देंगे। एक ब्रेड लेंगे, ये जो हमने स्टफिंग रेडी की है इसमें अच्छे से फैला देंगे इसको। जो स्टफिंग हमने रेडी किया था उसको मैंने अच्छे से ब्रेड पे फैला दिया है। अब इस पे हम एक ब्रेड रखेंगे। हम ट्रिपल लेयर सैंडविच बना रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस मैंने यहाँ लिया है, अब इस पे हम फैलाएंगे ब्रेड पे, अच्छे से लगा लेंगे। तो ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस इस पे फैला दिया, इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है सैंडविच का। एक तरफ से एकदम मलाई वेज का टेस्ट आएगा, सेकंड लेयर से एकदम पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा, तो आपको डबल टेस्ट मिलेंगे इस सैंडविच में। यहाँ मैंने 1 छोटा शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है, अब इसको फैलाएंगे हम इस पे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस पे डालेंगे ग्रेटेड चीज, ये मैंने ग्रेटेड चीज लिया हुआ है, फैला दिया है। अब बस हल्का सा 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर इस पे डालेंगे हम। अब डालेंगे चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, बस ओरिगेनो डालने के बाद एक ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे, हल्के हाथ से इसको ऐसे दबा देंगे। स्टफिंग रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे ऊपर लगाएंगे, ऊपर वाले लेयर पे बटर, और मैं इस पे बटर लगा रही हूँ। बटर लगा के इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब दूसरे सैंडविच को भी हम इसी तरह से स्टफिंग करके रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने तवा को गैस पे रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब तवा को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। तवा गर्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे, सैंडविच को लेंगे, ये जो बटर लगाया हुआ पार्ट है उसको नीचे करेंगे और इस तरीके से इसको रख देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे,
क्योंकि लो फ्लेम पे अगर हम इसको बनाएंगे तो ये ब्रेड जो है बहुत ही क्रंची क्रिस्पी होगा, और फ्लेम को हाई करेंगे तो ये रेड तो ज़रूर हो जाएगा पर क्रिस्पी नहीं होगा वैसा जैसा हमें चाहिए। तो अब लो फ्लेम पे इसको हम क्रिस्पी कर लेते हैं, सिकने देते हैं इसको ऐसे ही। एक तरफ से ब्रेड सिक चुका है, अब दूसरी तरफ भी हम बटर लगा लेंगे। हमने बटर लगा लिया अच्छे से, अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए सैंडविच हमारा कितना बढ़िया सिक के रेडी हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी है। ठीक इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसको सेक लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। सैंडविच हमारा सिक चुका है एकदम बढ़िया से, ये देखिए। इसी तरीके से हम बाकी की सैंडविच को भी सेक के रेडी कर लेंगे। सैंडविच हमारा तैयार है, ये देखिए ये अंदर से बहुत ही क्रीमी है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। ट्रिपल लेयर सैंडविच बनके तैयार है, ये बहुत ही क्रीमी और चीज़ी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।